बरेली के थाना किला इलाके में नगर निगम की कार्यवाही से सड़क किनारे कई वर्षों पुराने सब्जी फल की फड़ लगाने वालों में आक्रोश है। वहां बैठे सब्जी की फड़ लगाने वालों का कहना है कि नगर निगम ने सब्जी बेचने और ठेला लगाने वालों को जगह आवंटित की थी, लेकिन नगर निगम कर्मियों ने आपसी साठ गांठ के कारण वहाँ मिलने वाली जगह को अपने लोगों में बांट दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई वर्षों से यहां सब्जी बेचकर अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों ने अपनी साठ गांठ के कारण जगह किसी और को दे दी, जिसकी शिकायत किला इलाके के नामित पार्षद ने भी की। नामित पार्षद का कहना है नगर निगम कर्मियों ने न ही उन्हें इस बात की कोई जानकारी दी और जब सूची मांगी तो उन्हें कोई सूची नहीं दिखाई। यहाँ से ठेला हटा के हमें दूसरी जगह दिया जा रहा है साहब, और हम यहाँ 35 साल से लगा रहे हैं साहब, हमें क्यों नहीं दी जा रही है यहाँ जगह? नए आदमी को पीछे बैठा लो, हमारा जहाँ ठिया है हमें वही चाहिए। नगर निगम वालों से क्या प्रॉब्लम हो रही है? नगर निगम वालों से बस यही प्रॉब्लम है कि साहब हमें ही दिया जाए, हमें पीछे ना दिया जाए। तो आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? कार्रवाई साहब क्या है कि नगर निगम वालों से यही अपील है कि मतलब ही की हमें दे दिया जाए तो अच्छी बात है। जानिए साहब, जब कुछ नहीं बना, जब से ना लगा रही हूँ, मुझे हटा जा रही है, ठेका जा रहा है, हम पुराने लगा रहे हैं, पहले लगाने वाले उन्हें। नगर निगम वालों की तरफ से आपको क्या समस्या हो रही है? पर्ची मांग खाते हैं, पर्ची डालो, हम पर्ची नहीं डालेंगे सर। तो आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? कार्रवाई करना चाहते हैं, हमारे साथ में जो इंसाफ करना चाहिए, पुराने 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 हम लोग को पापा लगा के ढेरा 40 साल हो गए, 40 साल 40 साल हो गए आपको यहाँ पे पापा लगा था, मैं लगा रहा। क्या समस्या पैदा हो रही है आपको? समस्या हो रही है कि भेजा जा रहा है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? नए नए लोगों को आगे कर रहे हैं और जो पुराने लोगों को पीछे कर रहे हैं। तो आपको नगर निगम वालों की तरफ से क्या समस्या हो रही है? मतलब यही क्या समस्या है, ये परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है? लगा तो दिक्कत हो रही है, भेजा जा रहा है। कहाँ भेजा जा रहा है आप लोगों को? मैं लाऊंगा नहीं ठेला। क्या इकट्ठे हुए नगर निगम द्वारा बिल्डिंग जोन बनाया गया है, उसमें क्षेत्रीय पार्षद को सूचना दी गई और इधर उधर के पार्षदों को बुला लिया गया, और जो क्या कहते हैं इसमें मुझे भ्रष्टाचार की इंक्वायरी है, सूची मांगने के ऊपर सूची उपलब्ध नहीं कराई है। कोई सूची नहीं दी गई है? क्या कार्रवाई की मांग करोगे? बाहर से कम से कम 100-200 लोगों के नाम सूची में डाल दिए गए, पैसे लेकर। तो किस तरीके की कार्रवाई की मांग करते हैं आप ऐसे लोगों के खिलाफ? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करोगे? ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। नामित पार्षद और स्थानीय लोगों ने जब इस बात का विरोध किया तो नगर निगम कर्मी वहां से सूची लेकर रफू चक्कर हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है अगर उनकी बात को नहीं माना तो वे इकट्ठा होकर नगर निगम में धरना देंगे।